अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, होप शी विल बी फाइन स्टूडेंट्स। हियर इज योर बुक द ग्रामर ट्री। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रोनाउंस एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन एंड वी आल्सो हैव डिस्कस्ड सम यूजेज ऑफ इट। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ हु एंड होम एंड देन डिस्कस द फर्दर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। द यूजेज ऑफ हु एंड होम। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हु और होम का क्या यूजेज है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट हु इज़ द सब्जेक्ट वेयर एज होम इज़ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हु हमारे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और होम हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिना हु इज टॉल कुड रीच द लैच इजीली। हु इज टॉल, हिना। सो हिना इज़ द सब्जेक्ट, हैंस हु इज़ यूज फॉर हिना द सब्जेक्ट। हमने फर्स्ट यूज का पढ़ा कि हु को हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के लिए और होम को हमने करना है ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमारे पास एग्जांपल आ रही है जो हिना से रिलेटेड है कि टाल कौन है, हिना। सो हिना इज़ द सब्जेक्ट, हिना हमारे पास सब्जेक्ट है। हैंस हु इज़ यूज फॉर हिना, हु इज़ हिना, हु हिना के लिए यूज़ किया गया जो कि हमारा सब्जेक्ट। ओके जी, नंबर टू एग्जाम्पल देखिए। ज़्या होम एवरी वन लव्स इज़ अ गुड नेचर्ड हेल्पफुल चाइल्ड। द वर्ड होम मीन्स ज़्या, ज़्या होम, ज़्या जिसको या जिसे। तो होम से हमारी क्या मुराद है, ज़्या। बट हेयर ज़्या इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी वन लव। यहाँ पर ज़्या हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है बल्कि हर किसी के प्यार का मरकज़ है, तो ये हमारे पास एवरी वन लव का ऑब्जेक्ट बन रहा है। सो होम इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी वन लव। We can understand this matter through further examples. Sohail, who is a good sprinter, won a gold medal for his school. Her dog, whom everyone calls Pudding, chased and caught the robber. Okay, students, यहाँ तक clear हो गया आपको? Uses of who and whom. Who is used for subject and whom is used for object. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे, दीज प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। ये प्रोनाउंस रेफर बैक करते हैं सब्जेक्ट को। इन अदर वर्ड्स, दीज प्रोनाउंस रेफर टू द डूअर ऑफ द एक्शन, कि हमारे एक्शन में जो काम करने वाला होता है, जिसके थ्रू हमारा एक्शन हो रहा होता है, ये प्रोनाउंस उसको रेफर करते हैं। एग्जाम्पल, बुशरा मेड हर सेल्फ अ प्रॉमिस। द प्रोनाउन हर सेल्फ रेफर्स बैक टू द बुशरा, हु इज़ द सब्जेक्ट आर द डूअर ऑफ द एक्शन। मीन्स कि हमारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के एक्शन को जाहिर करते हैं या सब्जेक्ट को दोबारा रेफर करते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। नंबर टू एग्जांपल देखिए जी। द मंकीज़ लुक सो फनी व्हेन दे स्क्रैच देमसेल्फ्स। द प्रोनाउन देमसेल्फ रेफर बैक टू द मंकीज़ हु आर डूइंग द एक्शन ऑफ स्क्रैचिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखें जी। यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर एम्फेसिस, कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं एम्फेसिस के लिए। एग्जांपल, माय 12 ईयर ओल्ड डॉटर बेक्स दिस केक हरसेल्फ। द मदर फील्स प्राउड एंड शी इज़ टेलिंग हर नेबर दैट हर डॉटर डिड नॉट नीड एनी हेल्प वाइल बेकिंग द केक। कि उसकी बेटी ने एक केक बनाया तो उसने खुद से बनाया, मीन उसने किसी की हेल्प नहीं ली। मीन कि हम इन प्रोनाउंस को एम्फेसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मोर फोकस अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा फोकस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, It is not my fault. The monitor himself told me to erase the board. The student is trying to convince other that he is not guilty. He was doing what the monitor asked him to do. Okay, students. Next, हमारे पास exercise है, exercise number D. Use suitable reflexive या emphatic pronouns to complete the sentences given below. Then write the names of the pronouns used. Okay, हमने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास कौन सा pronoun used हुआ है, हमने किसके लिए इसको मतलब कि इसकी रिफ्लेक्सिव और एम्बेटिक फॉर्म्स हमने बताने गए यहाँ पर। नंबर वन देखिए जी। हैव यू लुक एट डैश इन द मोनीटर, यू लुक सो पेल। हैव यू लुक एट योर सेल्फ इन द मोनीटर, ब्लैंक में क्या आएगा, सॉरी इन द मिरर, ब्लैंक में क्या आएगा हमारे पास, योर सेल्फ। नंबर टू देखिए, ही डज आल हर हाउस होल्ड कोर्स हर सेल्फ। नंबर टू में हर सेल्फ। नंबर थ्री देखिए, दे कैन पिक अप द पार्सल्स डैश themselves फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। नंबर थ्री में क्या आ रहा है हमारे पास, themselves। यू कैन ऑनली ब्लेम डैश योरसेल्फ फॉर द डिले इन सबमिटिंग द वर्क।
Number 5, we have given ourselves a year to see if the business can succeed. Number 6, she herself keeps a tab on all the mail that goes out of her office. Number 7, this incident itself shows how lax their security is. Number 8, she kept up her morale by telling herself that she only had a few more meters to climb. Number 9, she accidentally cut herself with a knife while chopping the vegetable. Number 10, if you promise yourself that you will always do your best at everything, you will ultimately do so. Okay students, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर डी, और ये आपने जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंसिंग रिलेटेड थी, इसको आपने अपनी अपनी बुक्स पे इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे हमारे पास एक टेबल है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वी कैन फर्दर एक्सटेंड द टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 31 इन द फॉलोइंग वे। पेज नंबर 31 में हमने एक टेबल डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम सब्जेक्ट को जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है वो क्या होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो कौन से वर्ड हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें और आ गई हैं, जो कि पोसेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव या एम्पैथिक प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन की मैं तमाम कैटेगरीज पढ़ूंगी कि ये फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी, पोसेसिव प्रोनाउन ने माई, और रिफ्लेक्सिव या एम्पैथिक प्रोनाउन ने माई सेल्फ। इनके प्लूरल देखेंगे जी, आई ओ जेगा चेंज हुई में, फर्स्ट पर्सन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी में, ऑब्जेक्टिव में मी अस में हो जाएगा, और पोजेसिव में माइन ऑर्स में हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव या एम्पैथिक्स में माई सेल्फ और सेल्स में हो जाएगा। सेकेंड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं तो सिंगुलर इसमें हमारे पास आ रहा है सब्जेक्टिव में यू, ऑब्जेक्टिव में भी यू, पोजेसिव में योर्स, और रिफ्लेक्सिव या एम्पैथिक्स में योर सेल्फ। सेकेंड पर्सन आप प्लूरल की बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्टिव में भी यू रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी यू, और पोजेसिव में प्रोनाउंस, और रिफ्लेक्सिव या एम्पैथिक्स में योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर में योर सेल्फ है तो प्लूरल में ये योर सेल्फ हो जाएगा। हम थर्ड पर्सन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में ही शी इट, और प्लूरल में दे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में हीम हर इट, और प्लूरल में देम, पोजेसिव प्रोनाउंस में hers, his और its, और plural में their। नेक्स्ट उसके बाद आज रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउंस में himself, herself, itself, और सॉरी plural में आ जाएगा जी, मतलब कि जब plural में आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास themselves। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है, इसको हम अभी फिनिश करते हैं, मतलब कि कंप्लीट हो गया हमारा लेक्चर। तो इस टेबल को आप अपने माइंड में रखेंगे कि हमने सेंटेंस में जो प्रोनाउंस यूज़ करने होते हैं, जो सब्जेक्ट में आते हैं वो कौन से, जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन से, और जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमने कैसे यूज़ करने हैं, और देन हमने रिफ्लेक्सिव एम्पैथिक प्रोनाउंस को कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।